नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आए हैं रांची के राजभवन धरना प्रदर्शन रोड में। तो आज यहाँ पे तीन जगह पे हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। JSLPS के कर्मी जो एक है, JSLPS के कैडर संघ, PRP और BAP का यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि लोग किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं। यहाँ पे इस जगह पे तीन बर्गर का हड़ताल है, एक भू बंदोबस्त कार्यालय हड़ताल का किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे JSLPS के कैडर संघ का हड़ताल चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ है, काफी संख्या में भीड़ है यहाँ पे। और आप झारखंड दिव्यांग का भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे दिव्यांग धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि काफी है। अब यातना नहीं रण होगा, जीवन जय मरण होगा। अब देख सकते हैं इनकी इनकी चार सूत्री मांगों को लेकर चल रहा है। यहाँ पे 2400 जिला के केडर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का हड़ताल अनिश्चितकालीन है, आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं यहाँ के जो हड़ताल कर रहे हैं उनसे दो बात सुनते हैं कि लोग का क्या क्या मांगे और इन लोग की क्या क्या समस्याएं हैं। सभी को जोहार, आज हम लोग यहाँ पे हड़ताल के चौथे दिन है धरना प्रदर्शन का, जिसमें हमारे दीदी भी हैं और झारखंड के सारे उपस्थित भैया भी हैं। तो हम लोग ने सरकार से और JSLPS विभाग से कहना चाहते हैं कि आपको आप लोग का भी घर में बहन बेटियां हैं, माँ हैं, कम से कम बहन के रिश्ते से एक बार देखने के लिए आना चाहिए कि हम लोग के ऊपर यहाँ क्या बीत रही है। हम लोग 24 जिला के PRP और BAP उपस्थित हुए हैं, ना कि हम लोग का किसी के यहाँ घर है और द्वार है, ना परिवार है। हम लोग एक बीच रोड में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग के माँ बहन के साथ इस तरह स्थिति होता तो आप लोग क्या करते, रोड पर ही छोड़ देते या फिर उन लोग को देखने के लिए, कम से कम देखने के लिए आते? भले हमारा मांग पूरा हो, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, कम से कम देखने के ख्याल से तो आए। लेकिन ना सरकार की नज़र है और ना JSLPS विभाग के पदाधिकारी की नज़र है कि हमारे बहन और भाई किस स्थिति में रोड पर बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। घर में हम लोग का परिवार है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं। आप बताइए कि हम लोग अगर यहाँ से बिना मांग पूरा करे किए हुए जाते हैं तो हम लोग के ऊपर क्या बीतेगा कि ना हम लोग घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। एक लेटर निकाला गया है जो कि JSLPS से कि इन लोग को हटाकर और दूसरा को चयन किया जाए। और दूसरा, हम लोग घर से जिस टाइम हम लोग घर परिवार के बीच में रहने का समय था, पति के साथ, बच्चे लोग के साथ, उस स्थिति में हम लोग को JSLPS यहाँ लाया है और आज जब हम लोग अपना आजीविका कर रहे हैं तो आज हम लोग को रोड पर बैठ के और हम लोग भीख मांग रहे हैं। जैसा लग रहा है कि हम लोग अधिकार नहीं भीख मांग रहे हैं, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर वो सोचते होंगे कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं, अधिकार मांग रहे हैं। सरकार को हम लोगों ने बनाए हैं तो सरकार से हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हमारे मुख्य चार मांगे हैं। पहला मांग हमारा है कि हमारा अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट मानदेय दिया जाए। और दूसरा मांग है कि महंगाई के आधार पर हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए संतोषजनक। तीसरा मांग हमारा है कि एक मुश्त एक समय पे हमारा मानदेय दिया जाए। और तीसरा मांग है हमारा आजाद पड़ोसी का लाभ भी दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम रेखा देवी, तेरे दरी ब्लॉक के ब्लॉक इंतर प्रदेश। और भी साथियों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इनकी दिक्कत हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लगभग इन लोगों का पांचवा या छठा दिन है जो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे सभी का बहुत समस्याओं से रह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किसी का बच्चा है, किसी का परिवार, अपना सभी परिवार छोड़ के आए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आज फिर किसी पुरुष से पूछ रहे हैं क्या दिक्कतें हैं। संघ की तरफ से
दो मिनट का सब। लेकिन आज हम लोग इस स्थिति में है, जो उस चीज में जो वंचित है आज उसको इलाज बता रहे हैं। माननीय हमारे मुखिया झारखंड के हेमंत सोरेन जी, जिन्हें हम बड़े भैया कहते हैं, संबोधन कई बार हम क्या कहते हैं, क्या मतलब प्रदेश के बड़े भैया हैं, मुखिया हैं, तो आप आए अपने प्रतिनिधि को भेजिए, मगर देखिए कि वो जरा जहाँ पर आभार यात्रा कर रहे हैं, हमारे दिव्यांगजन मिलना भी चाह रहे हैं, तो उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पता चलता है कीड़े मकड़ों की तरह उनकी नजर में आने वाला दिन के लिए सरकार को सुझाना पड़ जाए, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे सरकार जो जेन्युइन हम लोग बंद करो अत्याचार करना बंद करो हमारी मांगे पूरी करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, अपने अंदर जोश को बनाए रखेंगे, हम लोग कहीं नहीं हार। आवाज तो हम एक है। हमारा शोषण बंद करो। जैसलपीएस होश में आओ, जैसलपीएस होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। पार्टी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, लेकर बाजी बंद करो, सौदला दावा करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, लेकर पार्टी नहीं चलेगी।